तो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड आज के इस व्लॉग में हम रिव्यू करने वाले हैं द ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। 125 सीसी में बजाज पल्सर वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक रह रही है। एंड बजाज ने यहाँ पे इसको एक नई कलर स्कीम के साथ लॉन्च करके इसको एक रिफ्रेशमेंट भी दे दिया है। सो आज के इस व्लॉग में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस बाइक में क्या क्या नए आपको फीचर दिए जाते हैं, एंड ओवर द कॉम्पिटिशन कौन कौन सी बाइक आती हैं, एंड ओवर द कॉम्पिटिशन क्या बेहतर मिलने वाला है इस बाइक में, प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, एंड कौन कौन से वेरिएंट एंड कौन कौन से कलर ऑप्शन आपको इसमें दिए जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर शक्ति बजाज वो हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की ऑल डिटेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो स्टार्ट, एंड आपको इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देते हैं। सो ये हमारी बाइक द ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। पहले तो मैं इसका जो है आपको एक वॉक अराउंड रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इसको राइड करेंगे एंड राइडिंग एक्सपीरियंस भी आपके शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसके कलर एंड प्राइस के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे हमें दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक है ब्लू जो कि अभी हमारे सामने है, एंड दूसरा है रेड। बेसिकली इसमें स्टिकरिंग चेंज हो जाती है, यहाँ पे आपको जहाँ पे ब्लू का टेक्सचर देखने को मिल रहा है वहाँ पे रेड हो जाता है। एंड वेरिएंट के बारे में बात करें तो दो वेरिएंट बेसिकली कंपनी आपको देती है, एक तो है ये सिंगल सीट वाला जो कि अभी हमारे सामने है, जिसका आज मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, एंड सेकेंड है इसका स्प्लिट सीट वेरियंट। इसके बारे में बात करें तो ये स्टार्ट होता है 87,846 रुपीज़, एंड जाती है ये स्प्लिट सीट वेरियंट के लिए 90,106 रुपीज़। तो मतलब जो आप चाहें वो आप परचेज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। साथ ही अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप शोरूम पे जो है कॉल करके पता कर सकते हो। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है जैसा इसका पल्सर 125 में जो है आता था। एंड मुझे नहीं लगता इस बाइक के डिज़ाइन को चेंज करने की जो है कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि ओवर द टाइम बजाज ने इस पर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, डिज़ाइन पर कोई भी वर्क नहीं किया, बट स्टिल ये डिज़ाइन अभी भी बहुत लोगों का फेवरेट है। पर्सनली मेरा भी जो है ये डिज़ाइन फेवरेट ही रहा है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, अगर आप 125 सीसी की कोई भी बाइक उठा लो तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर एंड सबसे ज़्यादा ह्यूज जो डिज़ाइन दिया जाता है आपको इसी बाइक में दिया जाता है। अब ये भी कह सकते हो ये इंस्पायर है अपनी बड़ी सिबलिंग 150 से। मतलब अगर मैं इसकी जो यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही है इसको मैं छुपा दूँ तो कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि ये 125 सीसी की बाइक है। इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो 150 जैसा ही देखने में लगता है। फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है पायलट लैंप मिल जाते हैं, इधर की तरफ आपको जो है हैलोजन टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। साथ ही जो कार्बन एडिशन दिया गया है उसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके जो स्टिकर्स हैं उस पर आपको पूरा कार्बन का टेक्सचर देखने को मिलेगा। इसका जो मडगार्ड है यहाँ पे भी आपको जो है कार्बन टेक्सचर देखने को मिल जाता है। साथ ही सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 90/80 सेक्शन का टायर दिया जाता है, 17 इंच के अलॉय के साथ आता है। अलॉय की अगर हम पेडिस्किन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के अलॉय दिए जाते हैं, जिनका डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया गया आप देख सकते हो। साथ ही एक रिम स्ट्राइप भी दी गई है जिसकी वजह से ये थोड़ी और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। इस बाइक में आपको आप कोई भी वेरिएंट खरीद लो, इसमें आपको जो है फ्रंट में जो है डिस्क दिया जाता है एंड रियर में आपको ड्रम ही मिल जाता है। डिस्क के साइज की बात करें तो 240mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया जाता है एंड रियर में आपको 130mm का जो है ड्रम ब्रेक दिया जाता है। बाकी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया जाता है जिसकी वजह से ब्रेकिंग आपको और भी ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं। अब इसमें जो ब्रेकिंग का सिस्टम यूज हुआ है, मतलब इसके जो कैलिबर्स यूज हैं, इसमें किसी भी ब्रांड का नाम नहीं दिया गया है। अब यहाँ की तरफ आते हैं तो जो पुरानी वाली 125 आती थी उसमें अगर आप जो है नॉन स्प्लिट सीट वाला वेरियंट लेते थे, जो हमारे सामने है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें आपको जो है इंजन काउल नहीं दिया जाता था, बट अब आपको बेस वेरिएंट से ही इसमें इंजन काउल दिया जाने लगा है, तो ये भी काफी सही चीज है। इधर की तरफ आपको जो है क्रैश गार्ड मिल जाता है, साथ ही इधर की तरफ आपको जो है कैटलिक कन्वर्टर दिया जाता है जिसपे एक शील्ड भी लगी हुई है। सिंगल हॉर्न का सेटअप दिया जाता है और इसका जो नोट है वो काफी ज्यादा लाउड है, अभी मैं उसको भी सुनाऊंगा। किक स्टार्ट भी दिया जाता है। इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सेम 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, BS6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, DTSI इंजन है। यहाँ पे आपको कार्बोरेटर का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी FI नहीं दिया जाता है, बट स्टिल इसका जो माइलेज है वो काफ़ी सही है। बट अगर FI होता तो और भी अच्छा होता कंज्यूमर्स के लिए, बट यहाँ पे आपको जो है FI का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही बात कर रहे हैं इसके पावर फिगर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 11.8 PS का पावर देखने को मिलता है एंड 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। बाकी चलाने में कैसी है, रिफाइनमेंट वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ें हम आपको चला के ही बताएंगे। एंड लिटरली मैं इसको डेली यूज में चलाता हूँ, मेरी भी बाइक है, अभी सर्विस होने गई है पीछे, और चलाने में बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट है यार। मतलब 125 सीसी में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। इधर की तरफ आएंगे तो आपको
पूरा ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट दिया जाता है। यहाँ पे इसकी जो शील्ड है वो भी ब्लैक कलर की दी जाती है, तो ये देखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है। साथ ही रियर टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी 100x90 सेक्शन का टायर देती है। तो 125 सीसी में 100x90 सेक्शन का टायर दिया जा रहा है इसमें, तो आपको जो है कॉर्निंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बाइक थोड़ी सी गंदी है तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी आपको सेम इंडिकेटर वही देती है जो आगे वाले में मिलते हैं। एंड इसकी जो टेल सेक्शन है वही पार्ट आपको जो है एलईडी देखने को मिलता है। स्प्लिट टेल सेक्शन दिया जाता है, स्प्लिट टेल लाइट दी जाती है। यहाँ पे आपको एलईडी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, इधर पे नंबर प्लेट का होल्डर, एंड इधर की तरफ आपको लंबा सा मडगार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटू सा टायर हगर देखने को मिल जाता है। क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है इसकी, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा जो है कीचड़ वगैरह रोक लेता है। जो आपकी बाइक अंदर से गंदी होती है वो नहीं होती है। इधर की तरफ आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है एक तो लेडीज़ के लिए। बाकी रियर में जो सस्पेंशन दिए जाते हैं वो आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए जाते हैं। बाकी सस्पेंशन का फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त है। ग्राफिक्स की बात करें तो रियर में आपको जो है यहाँ पे 125 की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है पूरी कार्बन से स्टिकिंग देखने को मिल जाती है। ये वाला जो पार्ट है इसका वो आपको जो है पूरा मैट पे देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे भी कार्बन की थोड़ी सी स्टिकिंग देखने को मिल जाती है। बाकी टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 11.5 लीटर का टैंक दिया जाता है जो कि पूरा मेटल है। एंड इसके टैंक के जो पेंट है यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। पहले यहाँ पे ग्लॉसी कलर का जो है पेंट देखने को मिल जाता था, मतलब अब यहाँ पे ग्लॉसी के साथ आपको थोड़ा सा ग्लिटर देखने को मिलता है, तो जो कि और भी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है एंड और भी अच्छा प्रीमियम आपको फील देने वाला है। साथ ही इसके टैंक पे जो है एक पैडिंग भी देखने को मिल जाती है, तो आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि सिल्वर फॉर्म में दी गई है, एंड काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील देने वाली है। सीट के बारे में बात करें तो अगर आप स्प्लिट सीट लेते हो तो आपको जो है यहाँ से कटी हुई सीट मिलती है, एंड अगर आप नॉन स्प्लिट लेते हो तो आपको पूरी सिंगल सीट जो है देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी देखने को मिलता है। कुशनिंग की अगर हम बात करें तो कुशनिंग भी काफ़ी सही है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, तो अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कंफर्टेबल रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा। एंड राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, एंड पिलियन के लिए भी, अगर बीच में आप कोई सामान वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी इजीली आप रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके स्विचेस के बारे में। तो हैंडल में आपको जो है बेसिकली वैसे ही स्विच मिलते हैं जो सारी बाइक्स में मिलते हैं। यहाँ पे आपको पास का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे लो बीम एंड हाई बीम, इधर की तरफ आपको टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। एक बार हॉर्न का नोट भी आपको सुना देता हूँ। तो सिंगल हॉर्न का सेटअप दिया जाता है बट लाउड है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको डुअल हॉर्न की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इधर की तरफ रेड कलर से आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एज यूजुअल बजाज पल्सर का जो सिग्नेचर मीटर है, सिग्नेचर ही बोलूंगा क्योंकि ऐसा मीटर किसी बाइक में नहीं आता, एंड ये ना ही कंपनी ने चेंज किया है। एंड पर्सनली ये काफ़ी लोगों को फेवरेट भी रहा है क्योंकि यहाँ पे जो निडल वाला फील आता है वो अलग ही रहता है। निडल वाला आरपीएम मिल जाता है, यहाँ पे आपको आरपीएम की लाइट मिल जाती है, इधर टर्न सिग्नल्स, इधर न्यूट्रल की लाइट, इधर लो बीम एंड हाई बीम, इधर इंजन चेक लाइट, यहाँ से आप जो है टॉगल करके सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, एंड बस यही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इधर फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बाकी ओडोमीटर, बाकी फीचर्स तो आपको बहुत ही बेसिक से मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर का जो है टेक्सचर देखने को मिल जाता है। बाकी की बात करें तो ये कुछ ऐसी की रहने वाली है, एंड 125 सीसी की ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको स्प्लिट हैंडल मिलता है, मतलब स्प्लिट हैंडल बार मिलता है डुअल कलर में। यहाँ पे आप सिल्वर देखोगे, यहाँ पे आपको ब्लैक का पार्ट देखने को मिल जाता है। मतलब जब आप इस बाइक को चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील आता है, मतलब कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी इसके कर्व वेट की बात करें तो 140 kg इसका कर्व वेट रहने वाला है, तो मतलब अगर आप कोई भी 125 cc की बाइक उठाओगे तो उसमें आपको 120 से 122 किलो का कर्व वेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको हाईवे पे अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। बट अगर आप ये बाइक जो है हाईवे पे लेके जाते हो तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप अच्छे से 100-125 मतलब इसकी टॉप स्पीड तक आप क्रूज करोगे तो भी कहीं से भी स्टेबिलिटी जो है लूज नहीं करेगी, एंड आपको अच्छा राइडिंग कॉन्फिडेंस दे देती है। अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड उसके बाद इसको राइड करते हैं एंड आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। मतलब जब आप इस बाइक को थ्रॉटल दोगे, जब आप इस बाइक को रैप करोगे तो आपको जो है ना स्टार्ट टू एंड तक आपको पावर फील होती है। यही चीज़ इस बाइक की मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। मतलब दूसरी जो बाइक्स हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, एक आरपीएम के बाद वो जो है पावर ड्रॉप कर देती हैं, बट बजाज पल्सर में ऐसा नहीं है। ये अपनी एंड तक जो है, जब तक इसकी कैपेसिटी है, जब तक इसकी कैपेबिलिटी है, तब तक ये जो है लॉन्च होते वाला ही फील आपको देती है। और गियर शिफ्टिंग में यार बहुत ज़्यादा सही लगता है, मतलब 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है
एंड जो क्लच का रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब 125 सीसी में एकदम स्मूथ जो है रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। गियर का फीडबैक भी बहुत ही सही है, मतलब डाउन शिफ्ट करो चाहे मल्टीपल चाहे शिफ्ट अप करो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं से अटकते पटकते नहीं है, कोई खटपट की आवाज़ नहीं आती है। उसी के साथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत ही सही लगा। बाकी जो कंफर्ट है वो भी बहुत सही है, मतलब मैंने बताया था कुशनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुशनिंग ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा फील आने वाला है राइडर एंड पिलियन दोनों को ही, क्योंकि सीट इसकी जो है काफ़ी लंबी है। अगर आप नॉर्मल सीट खरीदते हो मतलब सिंगल सीट वाला वेरियंट लेते हो, तो अगर आप स्प्लिट सीट लेते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा स्पेस जो है कम मिलने वाला है। एंड जो इसकी सीट हाइट है वो 790 mm की है, तो आप 5'2" या 5'5" के आसपास हो तो भी आप इजिली इसको हैंडल कर सकते हो, आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप थोड़ा सा भगाते हैं, उसके बाद आपको ब्रेकिंग बताते हैं कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो कैसे मिलने वाली है। वाव, फ्रंट ब्रेक इज ऑल्सो गुड, यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया जाता है, तो जो फ्रंट ब्रेक है अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है रियर ब्रेक का कुछ पार्ट जो है लगेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो स्किट नहीं होगी। एंड रियर ब्रेक ड्रम मिलता है तो उसकी ड्रम के हिसाब से सही है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ड्रम के हिसाब से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जितनी बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है उतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी जो इसका इंजन का रिफाइनमेंट है वो टॉप नॉच है, मतलब कितना भी रेव कर दो, कितना भी रेड लाइन क्रॉस कर दो इसके साथ, कहीं से भी आपको कोई वाइब्रेशन नहीं फील करने वाली है। मतलब मिरर्स लगे हुए हैं, अगर वाइब्रेशन होते तो मिरर्स पे तुरंत झलक जाते हैं, वो मिरर्स हिलने लगते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हैंडल बार पे, फुटरेस्ट पे, मतलब कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं। अगर आप 70-80 क्रूज़ करते हो तो इससे आराम से क्रूज़ कर सकते हो। एंड इसका जो कर्व वेट है 140 के आसपास है, 140 kg के आसपास है, तो भाई इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब हाईवे पे लेके जाओ आराम से, एकदम दबा के चलाओ इस बाइक को, 70-80-100 आराम से क्रूज़ करो। 125 सीसी में इस बाइक का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस बैंड में ये बाइक आती है आपको एक अच्छा स्पोर्टी लुक मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है आपको इसका जो माइलेज है वो भी काफ़ी सही निकल के आता है, उसमें आपको मेंटेनेंस भी जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो मतलब हर चीज़ में 10/10 स्कोर करती है। हाँ, थोड़ा सा पावर आपको कम देखने को मिलता है इस बाइक में, वो भी इसके वेट की वजह से है। अब हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, आप दूसरी बाइक उठा लो तो वहाँ पर आपको जो है हल्की मिलती हैं, तो जिनको आप सिटी में चलाओगे तो सही है, लेकिन अब अगर आप हाईवे अगर आप लेके जाते हो तो फिर आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन में देखने को मिलती है। बट इस बाइक में आपको ऐसा कुछ नहीं, आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, हालांकि बहुत से लोग यार लॉन्ग राइड करते भी हैं पल्सर 125 से। तो भाई बाइक राइड करते करते हम आ चुके हैं एक ऑफ रोडिंग पैच पे, जहाँ पे हम इसका सस्पेंशन टेस्ट करने वाले हैं कि इसका जो सस्पेंशन है वो कैसा फीडबैक हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो खैर सस्पेंशन का जो फीडबैक है वो काफ़ी सही है, टायर की ग्रिपिंग जो है वो भी अभी तक तो बहुत ही सही निकल के आ रही है, क्योंकि रोड देख रहे हो इस पर एकदम छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं जो रोड बनते टाइम डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे बाइक स्किड बहुत करती है, और अभी यहाँ पे बहुत ही सही जो है परफॉर्म दे रहे हैं। अब सस्पेंशन का टेस्ट करते हैं, तो हाल फिलहाल तो अभी तो बहुत ही सही है, मतलब गड्ढे जो हैं वो पता नहीं चल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पर कि हम क्या ही बोले। ये पूरा जो रोड है वो पूरा बन रहा है, मतलब ये हाईवे बन रहा है, जब बन जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पे बाइक चलाने में। फ्रंट वाले जो हैं वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे हैं, एंड रियर वाले जो हैं वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे हैं, जिससे बैलेंस जो है वो आपका बराबर रहने वाला है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और छोटे मोटे फॉल्ट होल्स तो जो भाई इस पे पता ही नहीं चलने वाले, एकदम ज़बरदस्त धाकड़ से निकल जाती है ये बाइक। तो सस्पेंशन का जो फीडबैक है वो ऑल गुड, मतलब पर्सनली यार देखो मैं ये बाइक राइड करता हूँ तो मुझे भी इतना ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस बाइक को लेके मुझे ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे इस बाइक से मिल रहा है, और हम डेली यूज़ में इसको यूज़ भी करते हैं, तो मेरी तरफ से 10/10 स्कोर करती है ये बाइक सस्पेंशन के मामले में। तो बॉयज़ इस बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी कवर कर दी है, इसके फीचर्स ऑलरेडी मैंने बता दिए थे, राइडिंग रिव्यू भी दे दिया है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्प्ले पे आ रहा होगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में अगर ड्रॉप कर दोगे तो मैं भी पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। और होप करते हैं आपको ये वाला जो व्लॉग है वो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड आउट, राइड सेफ।